हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको एक्सेल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, मैं आपको बताऊँगा गूगल शीट के थ्रू कि कैसे आप वहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू किसी भी नाम को या किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरफ कॉलम में है इंग्लिश, और उसको कन्वर्ट करके हिंदी में वो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे आप भी सेम किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उसके लिए इसको यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड मैंने यहाँ टाइप किए हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, कुछ भी आप वट एवर जो भी आपको इंग्लिश वर्ड चाहिए उसको अगर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिव्यू में आना है। जब आप रिव्यू में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट इसलिए यहाँ सेलेक्ट हो रखा है क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है। ठीक है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ हो रखा है, अदरवाइज कभी भी क्या हो गया कि यहाँ पर किसी और कंट्री का यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है, तो उस केस में देखिए जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कई तरह के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो अभी देखिए उसका यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अभी जैसे आपको ये कॉपी करना है इस तरफ तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे। अब इसमें इसको दो तरह के इंसर्ट करने के तरीके हैं, एक तो आप इंसर्ट करके कर सकते हैं इसको, या आप इसको एक बार कॉपी करके भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको वन बाय वन जिसको भी आपको ट्रांसलेट करना है उसको आपको यहाँ पर इस तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये है हमारा हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करना हमने तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर आ गया है ट्रांसलेट हो गए। तो पहले मैंने इंसर्ट के थ्रू बताया, अभी मैं बताऊंगा आपको कॉपी। तो जस्ट आप यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है, तो पहला तरीका था हमने इंसर्ट किया था, सेकेंड हमने किया कि उसको हमने कॉपी करके किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जी जिसको भी ट्रांसलेट करना है तो उसको आप यहाँ पर रख के इस तरह से सिंपल का आप यहाँ रख के आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आ गया है, तो आपको कर्सर यहाँ पर रख के अब इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गुड, तो इसको भी आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर आपने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया, तो हमें कर्सर यहाँ रखना है क्योंकि हमें उसका रिजल्ट यहाँ चाहिए। ठीक है, तो इंसर्ट, तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, आपको बार बार सेम चीज़ करनी पड़ रही है। तो मैं अभी आपको दूसरा स्टेप के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप उसके थ्रू भी किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी इंग्लिश में इंग्लिश सॉरी इंग्लिश से हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप फिर क्या है दोबारा हिंदी को फिर इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ गया, मैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसको भी हम जैसे यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो टैक्स आप यहाँ पर जिस तरह से भी है लेकिन इस तरह से आप यहाँ पर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट आपको वहीं पर करना है जहाँ पर आपको उसको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो थे सारे वर्ड आपने देखे इंग्लिश के, सारे हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि हिंदी वाले वर्ड को आपको दोबारा इंग्लिश में करना है तो उसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, बस इसको कॉपी करना है आपने। ठीक है,
कॉपी करके आपको यहाँ आना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जैसे यहाँ पर ये कर देना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें हिंदी से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ पर आप कन्वर्ट हो गए, ये आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है जिस तरह से हमने इंग्लिश के वर्ड किए थे उसी तरह से हम यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया व्हाट इज योर एज, ठीक है। इसको भी हमने इंसर्ट यहाँ करना है, ठीक है। तो जहां पर आपको इंसर्ट करना है वहीं पर आपको कर्सर रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं इंसर्ट। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हिंदी से आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था एक्सेल में, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो है गूगल शीट के थ्रू आप किसी भी एक्सेल टू सॉरी हिंदी टू वर्ड इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, और वो भी विद फॉर्मूला के साथ। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपको अपने गूगल पर आना है, जो गूगल का मेन पेज है, बस रहते आपको उसमें लॉग इन होना है अपनी जीमेल आईडी के साथ, ठीक है। तो जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। तो उसके बाद आपको जब पेज आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से, तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर सीट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक, ठीक है। तो आपको ब्लैंक सीट पर यहाँ क्लिक करना है। तो मैं इसमें भी आपको दो तरीके से बताऊंगा, जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो इसमें भी मैं आपको सेम वैसे ही बताऊंगा। पहले हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ नेम यहाँ ले रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ ले रहा हूँ रमेश कुमार, मनीष कुमार, मीरा देवी, ठीक है, सपना, मीनू, नावेद, ठीक है। एक नाम हम और ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमें ये जो इंग्लिश में नेम है इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर गूगल शीट में एक फंक्शन आता है गूगल ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो जैसे हम इसको यहाँ टाइप कर रहे हैं तो पहला पूछ रहा है टैक्स, यानी कि जिस टैक्स को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन अगला है कि सोर्स लैंग्वेज, तो अभी हमें क्या है इसको इंग्लिश से इसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे EN यानी कि इंग्लिश, ठीक है। देन कॉमा, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको हिंदी में, तो वही डबल इन्वर्टेड कॉमा करके हम यहाँ लिख देंगे HI, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। देन हम यहाँ पर इसको क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रेस हमने किया, तो आप देखिए कि जितने भी हमारे जो इंग्लिश के नेम थे वो सारे यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका था कि हमने क्या किया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अभी हम उसी जो ट्रांसलेट हो गया हिंदी उसको हम दोबारा इंग्लिश में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी सेम फंक्शन वही है, गूगल ट्रांसलेट आपको आना है, जिस टेक्स्ट को आपको करना है उसको सेलेक्ट करना है। देन पहले में क्या था कि हमने इंग्लिश टू हिंदी किया था, लेकिन यहाँ पर हमें उसके अपोजिट करना पड़ेगा, हमें यहाँ करना पड़ेगा
हिंदी टू इंग्लिश, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे एच आई डबल इनवर्टेड कॉमा देन ई आई, ठीक है, यानी कि हिंदी का पहला शुरू का दो लेटर और इंग्लिश का पहले शुरू के दो लेटर, सॉरी ई एन, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा पहले हमने यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर हमने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो ये तरीका था कि अगर आपको फंक्शन के थ्रू किसी भी वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को हिंदी में करना है या हिंदी को इंग्लिश में करना है, तो उसके लिए एक अच्छा सा, ये भी एक स्टेप अच्छा है। और फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंग्लिश, सॉरी, आप एक्सेल में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में कोई फॉर्मूला इसके लिए है नहीं, तो उसके एक्सेल में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपके लिए अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ये वाला भी ऑप्शन मैंने आपको जो बताया गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।